अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़िवेरिया अली ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। जी व्यूअर्स, अगर आप लोग ने यूट्यूब पर और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़िवेरिया अली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्रिप्शन लाजमी है। व्यूअर्स, तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे शाही कोरमा मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए बादाम जिसको हमने रोस्ट करने रख देना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हमें डालनी है बड़ी इलायची, दालचीनी और जायफल, साथ ही साथ डालेंगे हरी इलायची, साबुत काली मिर्च, लौंग, जायफल जलबत्री, तो हमने जायफल डाल दिया था, अब हम जलबत्री डालेंगे और इन सब को फ्राई करेंगे। फ्राई तो नहीं, रोस्ट कह सकते हैं, तकरीबन एक मिनट के लिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, इन तमाम चीज़ों को ही हम लोग रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। इसमें ये इसको फिर कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद इसको हम लोग ब्लेंडर लेंगे, उसमें हम लोग इसमें सारा मसाला डाल के इसको पीस लेंगे बहुत अच्छे पाउडर फॉर्म। इसको जब तक पीसना है, जब तक ये पाउडर ना बन जाए, पाउडर बन जाए तो ये देखेंगे ये शक्ल हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, उसका पाउडर, इसमें फिर लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे ताकि ये जब जान हो जाए, एक जान हो जाएगी, एक शक्ल बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे आपके अपने मसाले होते हैं। ठीक है जनाब, ये आपका पाउडर देख रहे हैं कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको एक जार में निकाल लेना है, एक बाउल में निकाल लें या जार में निकाल लें, आप इसको दो महीने यूज़ कर सकती हैं। अपनी और खुशबू लाने के लिए आप इसमें साबुत काली, साबुत इलायची, काली मिर्च, लौंग और तेज़पत्ता डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तकरीबन दो महीने आप इसको यूज़ कर सकती हैं। हमारी रेसिपी रेडी। चीयर्स, तो आपको अगर हमारा शाही कोरमा मसाला पसंद आया है तो आप हमारे कोरमा मसाले को लाजमी के घर में ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका टेस्ट, क्योंकि बाजार से हम जितनी भी चीज़ें लें हैं, जितने भी मसाले लें हैं, इसका वो टेस्ट नहीं आता जो मैंने आज अपने घर में बनाया है। तो बहुत मज़ेदार इसका मुझे टेस्ट लगा, तो मैंने सोचा अपने गाइस के साथ भी लाजमी शेयर करूँ मैं इस मसाले को, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, कैसा लगा हमारा ये टिप, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ज़वेरिया अली ब्लॉग से ज़वेरिया को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा आएंगे। तो उससे पहले आपसे फिर से कहती चलूँ, अगर आप यूट्यूब पर हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट रेमेडी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होगी। ज़वेरिया अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।